सिंगरौली के मोरबा में टैंकर हाईवा सहित कई गाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिससे वहां खड़ी कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। बमुश्किल दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि टैंकर हाईवा सहित करीब 20 गाड़ियां एक बाउंड्री के अंदर खड़ी थी, तभी अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें देखते ही देखते कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मोरवा थाने का पुलिस बल और दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, मगर आग पर काबू ना पाया जा सका, जिसे देखते हुए तत्काल जयंत NCL दमकल की गाड़ी मंगाई गई, जिसमें CICF के कर्मचारी मौजूद थे, जिनकी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में भूपेश अग्रवाल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दमकल की गाड़ियां अगर मौके पर नहीं पहुंचती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही जमीन, जिसके जमीन पे है ये पूरा गाड़ियों का काफिला रखा हुआ है, इनके सबसे बड़ी लापरवाही इनकी है। इसमें एक भी आदमी नहीं रहता है, अगर ये रहता तो आज ये आग नहीं लगी होती। हो सकता है कि कहीं ना कहीं महुआ बिनने वाला सीजन चल रहा है, महुआ बिनने वाला किसी ने आग लगा दिया होगा पत्ता उत्ता जलाने के लिए। उसमें हम चार गाड़ी तो ऐसे दिख रही है और 8-10 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। क्या लगता है? देखिए, नगर निगम में मात्र एक ही गाड़ियाँ हैं, अब एक गाड़ी कितना कवर करेगी इसको? इस कारण से जो है हम लोग काबू ना कर पाए, हम लोग क्योंकि हम लोगों ने कंप्लेन किया, उसमें मात्र एक ही गाड़ी आ पाई थी। प्रशासन की, नगर निगम की लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि अगर हमने कंप्लेन किया और गाड़ी 2-3 गाड़ी अवेलेबल नहीं हुआ तो लापरवाही सरकार प्रशासन की है। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरे लिए खतरे में, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी।